एक तोहफा प्यार का, तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। है बदनसीबी हमारी सनम, है बदनसीबी हमारी सनम, ना मिल सका प्यार आपका। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे चलते बरात में कितो भर रहो है, दुनिया भरे को तो रणुआ इकट्ठो है। मैंने कहो तो रणुआ खाना बरात में लाए पहले आए राम जी, आई को छोटे छोटे लड़का बच्चा कहे का ले आए हो। मैंने मना करो तो कि छोटे लड़का बच्चा ना लाए, हम मोय माथे और आप है भाई, मोय माथे है प्रजापति जी, कुड़ग्राम का ध्यान दे। और आप है संत राम प्रजापति जी, आप दोनों बंधुओं की ओर से ये 21 पुष्प मुद्राएं, ये जो हमारे YouTube चैनल वाले बैठे हैं इनको प्रदान है भैया। मैंने कहो तो कि छोटे छोटे लड़का बच्चा बारात मना लाओ हैं, काल एक लड़का बगल में पड़ रहा हूं, मैं मुंह अच्छे रख दऊ, मतलब सी समझ के चाड़ दू, काहे हैं मोए साथे बोर हो तो तुम्हें बड़ा मजा आओ, अच्छा हो तो कुछ नहीं, हां तुम्हारा ऊपर कौन अच्छे रख देता मैं वहां से भैया। जय जय किशोरी जी की, सबको है पर बैठ हुए यो को आटा लते लगत जिप कतरा। अरे जय जय किशोरी जी की, अरे मुझको है, हाँ आप ही को है, मुझसे है, अरे यहाँ पे आप ही तो दिखाई दे रहे हैं, मतलब मुझी को है, हाँ आप ही को है, थोड़ी और पीछे चलो, काहे चलोगे, ले आ गया बहुत है, मुझको है यार, मतलब पागल हो क्या, थोड़ी सो हूँ, अच्छा हो आप ही को बुला रहा था, क्योंकि यहाँ हाथ लगा इसे मुंह को चूहो जा, अच्छा ठीक है, और चाहे जहाँ लगा कोनो दिक्कत, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कहीं नहीं, अच्छा ठीक है, दूर से ही बात होनी चाहिए। मैंने कहा जय जय किशोरी जी, जय किशोरी जी की, मुझको है, हाँ आप ही को है, तो दूर पाछे के चलते, मतलब यहाँ कोई दिक्कत है क्या, का कहो तने मुंह, आप कैसे कह दो, आप कैसे कह दो, अरे तू इतना नाराज काहे हो रहे हो, मुंह तने आप कैसे कह दो, तो का कहा जाए, कुछ बोल पे आप ना, आप का आप मोला ने गारिया है, अच्छा देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ मिथिला में सम्मान ज्यादा दिया जाता, अच्छा ये बात है, ये सम्मान सूचक शब्द है, असल बात को यहां तक आप नहीं कहूं ना, अच्छा जो ने देखे ओरे नगवा ऐसो कर ली वैसो कर ली, अच्छा आप अयोध्या के खबास हैं, और तुम्हें क्या मैं पंडित दिख रहा हूं, अरे नहीं हमने पूछा क्योंकि हमने आपको देखा नहीं था ना, तुम लगता है यहां के पंडित हो, नहीं नहीं हूं, नहीं है, अरे यार बहुत सजो धजो तो ब्राह्मण का फील आ गया है, ते तो यार ब्राह्मण का फील करी है, अब तुम मिथिला के हैं, अब तुम अयोध्या के हो, तुम अपना वेशभूषा देख लियो, मैं थोड़ी असल बात काम में ओधो में धोती परदानी पहन तो एक दिन में धोती परदानी पहन के कहूं तू सुन तो ले, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि परेती हो और नाई बन के आ गई, पूरी बात नहीं सुनते बीच में टप बता बोल दे, अरे बोलूंगा,
अरे मैं अब का कहा मैं, पूरी बात खत्म हो गया, पता नहीं कहाँ से आ बोला तू मैं। बोली बोली कब वाला हूँ मैं, चली गई वो बात है। अब आगे को देख। सुनो तो तुम यहाँ क्यों भाग रहे हो? अरे मुझे अयोध्या का जो नाई है आप हैं? हाँ मैं ही हूँ। तो आपका होता नहीं तने मोह आपका सिक्का था। ये क्या कर रहे हो? पावा सा कुआरत हूँ। कहे मोह को आप कह रहे थे मोह को साजा मोह जब छोटे से याद तक कोई ने आप नहीं कहो तने कैसी कहते हो? अरे ऐसे नहीं बात की जाती है तने। ये कौन सी भाषा? ऐसे बोल रहा हूँ। हमारे मिथिला में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होता। आपको ज्यादा अच्छी भाषा है। बिल्कुल है। अरे यार बात तो मुंह मत थूक दे, वा चूम ले चूम ले चूम ले। बदतमीजी की बात की नहीं जब चूम ले त कहता है मचा थता है भाग लाए हो मैं सुनो गन हो। अरे सुनो तो एक विशेष काम। अच्छा तो अब मैं हूं आपका हूं तुम्हें आपसे विशेष काम। तो क्या काम है आपका? महारानी सुनैना का एक संदेशा मैं आपके पास में लाया था। क्या संदेशा? चारों कुमारों को लेकर के महलों में जाना है और कलेवक कुमारों को ले बालूंगा चारों ले लूं। नहीं अरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो चारों कुमार हैं। अच्छा चारों कुमार में समझो कि कुमार का ले लियो चारों ले। अरे अच्छा किसके लिए ले लोगे? अम्मा का जानो के खिला। अच्छा आपने अपना परिचय नहीं बताया। ये तो बता दिया कि आप खवास हैं लेकिन अपना नाम आम तो हंसे हाथ हटा ले। अपना नाम आम तो बता दीजिए। मेरा नाम दुनिया जानती है। क्या है? मुक्ता छोटा मुंह आधा का बड़ा ता। मुक्ता यार ढंग में बोलता है को कर मुक्ता। अरे अभी आपने कहा यार समझा ना भैया यूट्यूब वाले मैं बताई दी तो मोर गुस्सा है खराब। मम कोनो वो सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारा नाम मुक्ता है। देख ले मोर गुस्सा है खराब मैं कोनो से कोट उठ जाऊं तो फिर न कहो। बहुत सुंदर नाम है आपका मुक्ता भैया। बता दो मोह जाती कितनी गुस्सा। अरे मुक्ता भैया जय किशोरी जी की। मैं अगर गुस्सा आ गऊं ना तो बिना कोटी न मने हूं बता दो। तो अभी इंतजाम करवा दे तत्काल में पर्दे के पीछे व्यवस्था हो जाएगी। अरे हाँ हो जाए तो हो जाए बता दो मुझे ढंग में बात करे निमो को स्वागत मैं बिना कोटे नहीं जाता हूँ। नहीं ये तो बहुत अच्छा है। तो ठीक है बुलौआ है? हाँ बुलौआ। चलो ठीक है आप लेके बहुत बढ़िया यार ससुराल में वैसे भी ज्यादा दिन रुको वो अच्छी बात ना। अब तो सबको कहा था जीजा रसगुल्ला खा ले जीजा रसगुल्ली खा ले कोनो कहा था बर्फा खा ले बर्फी खा ले कुछ दिन में कहे जीजा पड़िया का पानी दिखा दे सानी और बना दे ससुराल में ज्यादा दिन न रुको चाहिए। अगर इज्जत चाहे तो चार दिन अब होता है हमें तो महीना न हो गए कौन कह दे जीजा बहुत दिन हो गए परसरे परसरे खात अब चल हंसिया ले ले चारों कटवा। अब हमें पता नहीं राम जी कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं बैठे हैं। राम जी ओ लखला ला तू जोर से चिल्लाए हो तो वहीं सुने एक जने कहा तो चिल्लात नहीं वो फलानो है सो चिल्लात तू मऊ चिल्लाता हूं राम जी ओ लखलाल कक्कू पता नहीं कहां का बैठी है कहां नहीं बैठी है। राम जी से मैं बहुत गुस्सा हूं मिल जाए तो मैं बात तक ना करी। मुक्ता भैया मुंह बैठे क्या कर रहे हो? लखनलाल भैया पहला की अरे कल्याण हो कलेव को बोला गुआ है जय चले को चले ना चले को ना चले। अरे इधर आओ इधर हमारे पास आओ जरा। मैं कुछ नहीं बोला तुम कलेव को बोला गुआ है जय चले को चले ना चले को ना चले। मैं कह रहा हूं क्या तुम्हें आका हमारी ही बारात में आए हो और हम ही से नाराज हो? कैसे नाराज हो मोको है कहा मोको हो तो गुस्सा एक तुम है लेकिन तुम हूँ अब ठीक है आओ। अरे तो हमसे क्यों नाराज हो तुम? तुम्हें कौन पता हो दुनिया भर के जाना तो मोर नहीं जाना तो सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। ये तो तुम्हारी बात सत्य है लेकिन हम जाने तो कि तुम्हारे इस पेट में ऐसी कौन सी बात भरी हुई है जिससे तुम हमसे बड़े नाराज हो? पेट मनी भरी मुंह भरी। अच्छा चलो उसको निकाल करके बाहर करो। अच्छा यो बतावा तो मुंह पहले तो मैं तुमसे नाराज हूं तो मुंह छोड़ के कहे चले आए
मैं अकेले हूँ बैठू रहू विश्रम तरे लुटिया लय जब भागू तो लुटिया और ढोनोंग नारा भर पकड़े भागू तू 6.5 बीघा को खेत रहा 6.5 बीघा भाग तू। विश्वामित्र जी आ गए थे ना तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारे साथ चलो। तुम मुझसे तक ना मिले हो, तुमने जो ना सोचो कि हमारी मुक्ता का कितना कष्ट हो। अरे सुनो तो, हमको तुम्हारी बड़ी याद आई। हाँ आई हुई तब मिस काल ना मार देते हो। हमारे पास साधन नहीं था। साधन नहीं, ठीक है, या मैं नाराज हो लेकिन और मैं और भी बात और मैं नाराज हूँ। क्यों क्यों नाराज हो? तुमने अपन करवा ली मोर कहीं ना करवाई। क्या सब जाना था क्या गभवारे ने हूँ? अच्छा सब जाना था। किस विषय में बात कर रहे हो? तुमने अपन करवा ली मोर न करवाई यो का शादी यो का विवाह करवाना चाहते हो? हाँ तेरा ही कर दिया, तेरा ही मोई कर दिया, मड़ाई का बोलगुआ दे दिया, सो मड़ाई का लड़गुआ ना बांटे पथराव गुम्मा धर दे वही खा के चाहिए जाए। अभी तक हमने तुम्हारे विवाह पर इसलिए विशेष ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमने तुमसे कहा था कि मुक्ता जहाँ हमारा विवाह होगा हम वहाँ तुम्हारा भी विवाह करवा देंगे। हाँ तो फिर आप कहीं नहीं करवाओ। लेकिन तुमने भी तो हमसे कुछ कहा था। क्या कहा था मैंने? भूल गए क्या? मैं भूले जा था। तुमने हमसे कहा था राम जी मुझको विवाह नहीं करवाना है, साधु हो जाना है। साधु नहीं मैं तो परमात्मा हो जाऊंगा, गुरु वशिष्ठ जी की सेवा करना है। अब क्या तुम्हारा इरादा बदल रहा है? भाई है सबका देखा तो बढ़िया चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी रोटी मिलती है। मैं थुआ का था खा फिर कहूँ जाके खाता हूँ बनाऊ बनाऊ छक जाता हूँ तो फिर रोटी के एक आधी मिल गई तो खा लें ऐसे भूखल पा रहा था तो मैंने हम उठ गया। तो अब तुम क्यों विवाह करवाना चाहते हो? पहले तो तुम साधु होना चाहते थे। ऐसे विवाह कराऊ चाहता हूँ कि मोन में हेरिया आ जाए तो मोर 24 घंटा ठठी ढूंढा पा रहे। इसी के भूखे हो तुम के। अरे मुझे तुमसे है कितने गिले, मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम इतने दिन बाद मिले, इतने दिनों तक क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया, बोलो ना। तेरा नाम लिया नाराज ना हो। ठीक है तो ये बताओ मो ब्याह करवा है कि ना करवा है?
विवाह हम तुम्हारा करवा देंगे। करवाया? हाँ हाँ। कितने पसेरी करवाया? अब पसेरी के लिए गेहूं खरीद रहे हो क्या? हाँ तो कितने क्विंटल करवाया? ठीक है तो दो चार बोरा करवा। मात्रा बताओ। अच्छा पसेरी मनी हो तो कितने करवा ले? कहे भदौरिया जी, एक ठो विवाह हम तुम्हारा करवा देंगे। भदौरिया जी से पूछ लो कितने करवा ले। कैसे लोग नई दुल्हन की तरह शर्मा थी। कहा थे 25 टका करवा ले। 25 टका कर दिया। चार चार लड़का हुए तो 25 चौका 100 लड़का हो जाए। मैं मोहल्ला को गुंडा मत जी मड़ई मुझसे डेरा हुआ से न लड़े 100 लड़कन को बाप आए। एक बात और है और फिर आगे चल के को ना जाए अपने लड़कन से बटन दबो है प्रधान बन जाए। हमारी बात तो सुनो। हाँ 100 तो बाद में होंगे लेकिन 100 के पहले इनका पालन पोषण, इनको पालन कहने वस्त्र भोजन ये सब कौन देगा? तुम दयाओ को दे मैं कौन धारुआ है। मैं तो छोटा हूँ। अरे मुझे ध्यान आ गया मैं प्रधान न बने हो राम जी। क्यों प्रधान बने मैं बड़ी कचाऊ मने क्या हो जाता है? देखो काम होएगो तो मड़ी कहे कि बड़वा छो प्रधान है हैं और जेखो ना भो मान लिया तो को बदनामियों तरह तरह के मिला। हाँ, तरह हाँ, कुछ अच्छाई बता दी कोनो बुराई करे कोनो कहे हमार कॉलोनी खागो कोनो कहे हमार लैटरिन खागो तरह तरह के बदनामी मिला थी। आधार कार्ड को बनू ना बनू तो बन गोता तो ठीक है ना बनू तो कहे का है मन को अपना भर बनवा लो। बहुत मारे जाओगे ये सोच ले। अरे कहे के मारू जाओ है बतावा मैं ना बनी हूँ अब दामो तो खूब है कोनो को राशन कार्ड बन गोता तो ठीक है ना बनू तो वह फता है। सुनो तुम विवाह की चिंता ना करो क्योंकि ये है मिथिला और यहाँ कन्या पृथ्वी से प्रकट होती है। आई है तो कन्याओं की कोई समस्या नहीं। विवाह तुम्हारे 25 हो जाएंगे। अपने यहाँ तो खीर खा के लड़का हो थी। दुष्ट कहीं के सब बता देगा क्या? ठीक है कुछ छुपा ही रहे हो। चलो अब हृदय से लग जाओ हमारे। और भाई नंदू डीजे सुरहा नंदू डीजे सुरहा आपकी ओर से ये 50 मुद्राएं क्रमशः उन्होंने सभी के लिए भेंट किए हैं। भाई नंदू डीजे सुरहा को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा करा अब चलो जाए कलयुग को बुलाऊंगा आगो है। हाँ हाँ ले चलो। ऐसा करिए मैं मोटरसाइकिल ले आऊं। ये ठान लिए या है ये को दिखा ले यहां मुंह पर दिखा थी। बैठ जा देखा कितनी गुलगुली सीट ले खल्लार भैया बैठ जा। हाँ है ना गुलगुली चलाएगा कौन इसको? मैं चला हूं। अच्छा अरे हेलमेट ने यहां चलान ना हो जा। चला ठीक है मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। मैं पहेट ले जाए हूं पाछी वाले का डंडा खा ले। अरे भगाना नहीं। हाँ मैं भगाऊ तो बहुत हूँ। इतनी भगाऊ तो कि जब तक 3-4 दिन में नाली में घुस चुकू हूँ हम ना बैठ पाएंगे। ठीक है धीरे धीरे चला हूँ। हम ना जा पाएंगे तुम्हारे साथ। धीरे धीरे चला हूँ। ठीक है स्टार्ट कर लो तो ना। स्टार्ट नहीं होता। ये तू मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा है कि कुत्ते लड़ा रहा है? मोटरसाइकिल वो आना बिना सिलेंसर वाली। अच्छा। जो मौत के कुआं में चालू कर रही थी वो वाली या मैंने सस्ते दामन में खरीद ली है। पता नहीं कहीं नहीं होता पुरानी आना ससरी चोक उठाऊं भला चुर्र अब नहीं हो सर्वे समान प्लग खोल के देखो वाला लखनलाल जी 11 नंबर को रेंच है का? अरे रथ लाओ। रथ बात मला है पहले यही मचलिए शायद चल दे। ठीक है तो मुझे धरो हो जाओ नक्शा 9 नंबर को नक्शा खुट 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 भोक अरे करिया पार को प्लग पूछ लियो फुस 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 भोक लाग गो भगे भगे क्या है पछर है मोटरसाइकिल से टंकी अलग हो गई। हां पछर है लखनलाल भैया तुम उतर जा भला। अरे इसमें तुम हमको गिरा दोगे? हां तुम तो लेके चलो फिर इन्हें ले जाओ। अ
अबे गरा उहे तो भों उतर जा, बहुत आवाज कर रही है। हाँ, तुम पाएगी। तुम ना जामा के लिए देखो भला चला कर के लिए चलाती ससरी बैठा बैठ बैठा ये होल करके जा, तुम्हें बैठा तो नहीं चलाता। रथ ले आओ हमारे, ठीक है रथ लाओ तो यो आओ राम जी, तुम दूर रहे, घोड़ा मुझे भाग हाक दिए थे, कपड़ा ना तुम्हारे खराब हो जाए। कड़वा 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 छूटर फाड़ दी मो चल आ गए। हाँ चल चल पालकी में बैठ जा, हम वो ले लियो एक आठ या पड़ाका धारी हो राते की छोटा आते हो तो ना सुरुरु फटा सुर फट फक मैं सोया गई हूँ सुरुरु फटा घल गई। अमीर से होती है गरीब से होती है, अमीर से होती है गरीब से होती है, दूर से होती है करीब से होती है, मगर जहां भी होती है ऐ मेरे दोस्त शादियां तो बड़े नसीब से होती है। हो लगता है ऐसे जैसे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे वक्त है खूबसूरत लगने महूर्त देखो क्या खूब जची है दूल्हे की भोली सूरत, दूल्हे की भोली खुशी से क्यों इतराए आज तू हमें नचाए, वक्त है आने वाला दुल्हनिया तुम्हें नचाए, दुल्हनिया लागत है मैं खुद्दी घर में आ गया, अरे खुद्दी घर में आ बीड़ी है, अरे बा बड़ा चमा चम चमका है, दमक दम दम के अंगूरी। ई मुक्ता जी क्या कहा मुक्ता जी? हाँ